और चलिए बड़ी खबर के लिए लद्दाख का रुख करेंगे। टैंक अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। लद्दाख के दौलतबेग ओल्डी में हादसा हुआ, नदी पार करने के अभ्यास के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, दरअसल नदी पार करने के दौरान जल स्तर यकायक बढ़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ा हादसा हुआ है लद्दाख में, नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ गया। नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ गया। टैंक अभ्यास के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है, एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। नदी पार करने के अभ्यास के दौरान देखिए बड़ा हादसा हुआ है, जल स्तर बढ़ने से हादसे में 5 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। ये दुखद खबर लद्दाख से सामने आ रही है। टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया, हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं। लद्दाख के दौलतबेग ओल्डी इलाके में नदी पार करते समय ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें जेसीओ समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ा था, हादसे में 5 जवान शहीद हुए। वह लद्दाख से आपको बता रहे हैं, टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ा और हादसे में 5 जवान शहीद हो गए। ये दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टैंक अभ्यास के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया और इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, इसमें एक जेसीओ भी है। तो 5 जवान शहीद हुए हैं टैंक अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। और चलिए, दो रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका सर। और हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवना साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत ही दुखद खबर ये सामने आ रही है देवना साहब, और 5 हमारे वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जी, ये बहुत ही दुखद खबर है, और मेरा मेरी दुख भरी ताजियत कंडोलेंस उनके हमारे बहादुर फौजियों के परिवार के लिए है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करकर, अपनी जान की बाजी लगा के, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे मुल्क की, हमारे सदों की हिफाजत करने के लिए वहां पे रात को 1 बजे मंदिर मोड़ एरिया के आसपास की वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 अदर रैंक्स, वहां पे T-72 टैंक्स, टैंक के पानी का पानी बढ़ने की वजह से डूबने से हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद खबर है जी। जो भी टैंक में थे वो अथॉरिटीज ने वो टैंक रिकवर तो कर ली है और बॉडीज भी रिकवर कर ली हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साहब ने भी ताजियत कंडोलेंस वहां पे उनको उनके ब्रीफ फैमिलीज के लिए भेजी हैं। जो शहीद होते हैं वो तो बहादुर होते ही होते हैं जी, तो कोई शक की बात है ही नहीं है। उनके परिवार वाले उनसे ज्यादा बहादुर होते हैं, मैंने ये देखा है। और सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में रहते हुए क्या किया था भाई, वो ये नहीं था कि सरहद पे खड़े होके बर्फीले चट्टानों में परिवार वालों से दूर दुश्मन की गोलियों का सामना किया था ना, सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था बताने के लिए कि उनका पिता, उनका भाई, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ सकते होंगे फोन के उस पार से जो चीखे मेरे को सुनाई देती थी वो आज तक मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद खबर है, और हमारे जाबाज फौजियों के लिए श्रद्धांजलि। जी भाई साहब। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही।
यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, ये दरअसल टैंक अभ्यास के दौरान हमारे जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह का ये टैंक अभ्यास इस वक्त यहाँ पर हो रहा था? जी जी हाँ, जब गलवान में जून 2020 में क्लैश हुए, उसके बाद से ही भारत की आर्मी ने फ्रंट लाइन पर एलएसी पर अपने टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया हुआ है। अब ये जो इलाका है डीबीओ के पास है, दौलत बेग ओल्डी, ये इलाका जो है वहां पर एयरफोर्स की फॉरवर्ड लैंडिंग बेस भी है 16,700 फीट की ऊंचाई पर। इस भयानक हादसे के बाद जो डिटेल्स छन छन के सामने आ रही जी, है, T-72 टैंक की जो यूनिट थी वो रात के अंधेरे में इंफ्रारेड डिवाइस की मदद से एक छोटे से नाले को क्रॉस करने का कवायद कर रही थी। ये एक एक्सरसाइज है ताकि जवानों को, खासतौर से वो जवान जो कि पल्टन में अभी नए हैं, उनको रात में एक एनवायरमेंट कैसा होता है उसकी फीलिंग दी जाए, क्योंकि युद्ध के समय में कई बार टैंक तोपों को आगे पीछे जाना पड़ता है रात के अंधेरे में भी। ये जो नाला था मंदिर मोड़ के पास, ये जो चो था, ये दिन के टाइम में एकदम सूखा हुआ था और रात के टाइम पर भी हमेशा सूखा रहता था। पहले की जो रेकनेसेंस थी उसके हिसाब से रात के 1 से 3 बजे तक ये एक्सरसाइज करने के लिए उपयुक्त एरिया मानकर ही टैंक को वहां भेजा गया था जी। अब क्या हुआ, अचानक से शायद या तो कोई क्लाउड बस्ट हो गया होगा या शायद ऊपर जो हाई अल्टीट्यूड है वहां पे जो बर्फ गल के जो छोटी छोटी बर्फ के लेक बन जाते हैं वो शायद फूट पट और अचानक से पानी आ गया। बहुत दुख की बात है कि एक जेसीओ 4 जवान इसमें शहीद हो गए। वहां पर रात को मैं बता दूं दर्शकों को कि 16,000 फीट की हाइट पर जहां पर ये हुआ वहां पर रात को, आज के गर्मी के मौसम में भी रात को टेम्परेचर -2 डिग्री हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री हो जाता है जी। और ये एरिया चीन के बॉर्डर से जो एलएसी है उससे महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक चीन की फौजों के साथ आमना सामना करके हमने मिरर डिप्लॉयमेंट की है, यानी चीन ने अगर अपनी टैंक फॉर्मेशन उधर रखी है तो हमने भी अपने टैंक फॉर्मेशन को इस तरफ रखा है। बहुत ही दुखद घटना है। आर्मी हेडक्वार्टर ने तुरंत इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। वह टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती हुई या किस तरह से इस तरह की दुखद हादसे को भविष्य में भी अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, एक जरूर ये हम कह सकते हैं देवनाथ जी, क्योंकि ये इंस्टेंट एक नेचुरल क्राइसिस, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे जवान अवेयर तो रहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा जलस्तर बढ़ेगा ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं होगा। जैसा कि आप अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है ये बादल फटने की या कोई घटना हो या कोई ग्लेशियर से संबंधित हो, तो इसे ज़रूर कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे। एक बार फिर से हम मेजर अली का भी रुख करते हैं। सर, ये हमारे जवान पहले से हालांकि प्रिपेयर रहते हैं, किसी भी तरह का नेचुरल कोई भी डिजास्टर आता है उसके लिए तैयार रहते हैं, यकायक जलस्तर क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा और हमारे जवान उसे भांप नहीं पाए एक साथ? जी देखिए, ऐसा ऐसी भी बात नहीं है कि हम हमारे जवानों से भाप नहीं पाए होंगे। वो मतलब भाप दोनों चीज, क्योंकि जी वो भाप जरूर पाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो फौज की खासियत है, हम लोग जिनकी हिफाजत करते हैं सरहदों पे, आप जान की परवाह करें बगैर, हमें मालूम है हमने भाप लिया है कि वहां खतरा है, लेकिन हमें हमारे सिविलियंस की हिफाजत करनी है। हमें अगर अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, अगर जान जोखिम में डालनी पड़े ये भागते हुए कि वहां पे खतरा है, तो हम वो खतरा फिर भी मुंह लेते हैं। मैं आपको सन 2003 की बात वाकई बताता हूँ। मैं स्वयं मैं एक यंग लेफ्टिनेंट था, हम बटल एरिया में, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और हमारी मेरी जो पोस्ट थी वो महज 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान की पोस्ट से, यानी कि यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा। अब यहाँ पे 30 मीटर का फासला था केवल, बीच में फेंसिंग थी। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको किलोमीटर घंटों घंटों तक आपको सफर करना पड़ता था एक 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 नाले की तरफ जो कि मुनावर तवी तभी कहलाता था। मुनावर तवी एक बहुत हैवी नाला था, वहां पे कराज गाड़ी होती है एक 6-8 पहियों की, मतलब हर साइड से उसके ऊपर माउंट होती है हैवी गन्स और उनको टो करके ले आते हैं।
उस क्रैश गाड़ी के अंदर हमारी जिप्सी पिगी बैंक माउंट होती थी और फिर हम वो नाला क्रॉस करते थे। जब अगर बारिश हो गई या बाढ़ आ गई तो वो जी नाला बंद हो जी जाया करता था, जी वो खतरा माफ किया करते थे। तो जवान की छुट्टी या राशन पानी आना जाना वहां से बंद हो जाया करता था, वो एक तरीके से वो हमारी लाइफलाइन थी। फिर जी उसके बाद और किलोमीटर आगे चलकर हमारी जिप्सी फिर वहां पे गाड़ियां नहीं जाया करती हैं, तो हम अपने वजन को 35-40 किलन का वजन अपने कंधों पे लाद कर हम चढ़ते थे घंटों घंटों पोस्ट पे। तो ये फौजी की एक आम जिंदगी होती है। बिल्कुल अब जब फौजी अपनी जान जोखिम में डालते हैं वो लोग, ताकि लोग चैन से सो सके, ताकि फौजी वहां पे हमारे सरहदों को की हिफाजत कर रहे हैं। अब जब उनके घर पे उनके बदकिस्मती से, बड़े दुखद से मेरे को कहना पड़े, जब उनके शव जाते हैं जी तो लोग सोचते हैं कि देखिए ये बहुत ही दुखद बात है और सारे राष्ट्र को उनकी फैमिली के लिए ताजियत देनी चाहिए। जी और ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है उन बिल्कुल फौजियों के परिवार वालों के लिए, क्योंकि फौज एक परिवार वाली परिवार है। अब आप उन जवानों को जानते होंगे जो शहीद हुए हैं, नहीं जानते होंगे, हैं, महसूस सब करेंगे, महसूस सब करेंगे, और वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जी तो जी हाँ, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि या तो क्लाउडबस्ट, ये आर्मी हेडक्वार्टर इसकी जांच करेगी, जी बिल्कुल जी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, एक बिल्कुल छोटी सी बात होती है, फ्रैक्चर भी होता है तो हाँ कोटर इंक्वायरी होती है फौजी। तो बहुत बड़ा किस्सा हुआ है। हाँ अब पिछले साल बता रहा हूं मैं, पिछले साल एक 60 फीट गॉर्ज में 8 जांबाज फौजियों की जान चली गई थी, जब और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर की, जब उनकी ट्रक एक गॉर्ज में गिरी थी। तो इनकी कुर्बानियों को हम जाया बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल, चाहिए। इनकी कुर्बानी को हम कभी भी नहीं भूल सकते और अब जांच के बाद ही पता चलेगा। कैप्टन साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो जगह है दौलत बेग ओल्डी, ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है और कितना अहम है ये जगह हमारे लिए? जी हाँ, ये जगह स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत अहम है। लेह से 150 किलोमीटर आगे है एक जगह है, वहां पर दुर्गुक, वहां से दुर्गुक से शियोक नदी उत्तर की तरफ जाती है, गलवान रिवर जो है वो भी आकर शियोक रिवर में पड़ती है। तो उससे आगे अगर आप जाएं तो देप्सोंग प्लेन्स आता है, जहां की इंडियन आर्मी और चाइनीज ट्रुप्स महज 8 से 9 किलोमीटर के दायरे में आमने सामने खड़े हैं। अगर आप देपसोंग प्लेन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जगह आती है डीबीओ, जहां की 16,700 फीट की ऊंचाई पर इंडियन एयरफोर्स ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाई हुई है। अब उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि जी अगर जी पीएलए की आर्मी, चाइनीज आर्मी, देपसोंग प्लेन पर कब्जा कर लेती है तो वो बहुत आसानी से शियोक रिवर के साथ जो घाटी है उसके साथ वो दक्षिण की तरफ, गलवान की तरफ और दक्षिण की तरफ प्यांगोंग से लेक तक पहुंच जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए ही ये जो चौकियां बनाई गई जी हैं जी जी वहां पर फॉरवर्ड। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जी जो जी टैंक डिप्लॉय हुई हैं इनको रिवर क्रॉसिंग के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ये लोग पंजाब के प्लेन्स में प्रैक्टिस करते हैं कि दिन के समय में नहरों को टैंक से कैसे पार किया जाए, उसके बाद इनको पंजाब के प्लेन्स में प्रैक्टिस दी जाती है कि दिन रात के समय नहरों को टैंक से कैसे क्रॉस किया जाए, जी उसके बाद ही इन क्रू को देपसोंग प्लेन या डीबीओ में ऐसे एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया जाता है। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सर आप दोनों मेहमानों का, और बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए हैं और इसमें एक जेसीओ भी शामिल हैं। ये बहुत ही जिस प्रकार